By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 संचयन बुक का चैप्टर नंबर 5 हामिद खां। तो कहानी शुरू होती है हमारे लेखक से। तो वो एक दिन समाचार पत्र में तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में जगह है एक, उसकी आगजनी की खबर पढ़ते हैं, जिससे लेखक को हामिद खां नाम के एक व्यक्ति की याद आ जाती है जो तक्षशिला भ्रमण के दौरान लेखक को मिला था। लेखक उसके लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगते हैं। 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडरों को देखने के लिए गए थे। कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो गया था। वो रेलवे स्टेशन से करीब 1/4 मील दूर बसे एक गांव की ओर चल पड़े। वहां तंग बाजार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें उन्हें देखने को मिली। होटल का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की भी बदबू आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखी जहां चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश किया। वहां एक अधेड़ उम्र का पठान चपातियां बना रहा था। लेखक ने खाने के बारे में उससे पूछा। दुकानदार ने लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहा। अरे भाई साहब, बेंच पर बैठ जाओ सर। दुकानदार ने चपातियां बनाते हुए लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब। लेखक ने उसे बताया कि मैं हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मलाबार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दुकानदार ने पूछा कि क्या आप हिंदू हो भाई साहब। लेखक ने हामी भरी। इस पर दुकानदार ने पूछा कि क्या आप मुसलमानों के होटल में खाना खा लेंगे, बताइए ज़रा। इस पर लेखक ने हामिद, मतलब कि जो दुकानदार था, उसको बताया कि उनके यहाँ, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर, अगर किसी बढ़िया चाय को पीना हो या फिर कहीं पर बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना कुछ सोचे समझे मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। हामिद लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता और ना ही हम फर्क मानते हैं हिंदू मुसलमान के अंदर। हम तो सब लोगों को बराबर मानते हैं। हामिद इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर बोला कि काश मैं भी यही देख पाता, काश ये सब मेरे पास भी होता, काश हमारा भी देश ऐसा ही होता। हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए उन्हें खाना खिलाया और खाना खाने के बाद लेखक ने हामिद को पैसे दिए। लेकिन हामिद ने बोला नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन लेखक ने बहुत उनको कहा नहीं, मैं ऐसे बिना पैसे दिए तो नहीं जाऊँगा। हामिद लो पैसे ले लो, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। लेकिन हामिद ने पैसे वापस देते हुए उनको ये बोला कि देखो मैंने पैसे तो ले लिए, अब आप ऐसा करना, हिंदुस्तान जाकर कहीं पर पुलाव खा लेना और मुसलमानी होटल में कहीं पर पुलाव खाकर मुझे याद कर लेना कि तक्षशिला का एक भाई था हामिद, उसने मुझे वहाँ पर खाना खिलाया था। लेखक वहाँ से तक्षशिला के जो खंडर थे वहाँ की तरफ फिर दोबारा चले गए। उसके बाद लेखक ने आज तक हामिद को नहीं देखा था। लेखक आज समाचार पढ़कर हामिद और उसकी दुकान को सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे वहाँ पर, उससे बच जाएं ये लोग, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक, मतलब कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उससे बच जाए हामिद, ऐसा वो प्रे करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर लेखक क्या कर रहे थे तक्षशिला के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।